हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं अनीशा आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास ट्वेल्थ की जो आपकी इलेक्टिव बुक है उसके नॉन फिक्शन सेक्शन में से चैप्टर नंबर थ्री

फिल्म मेकिंग उसके ऑथर कौन है किसने लिखा ये चैप्टर आपके सामने फोर ऑप्शंस गिवन है और उसमें से उसमें से जो सबसे सही या जो करेक्ट ऑप्शन है उसे आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर ए डीएच लॉरेंस ऑप्शन बी अमर्त्य सेन ऑप्शन सी इंकमार बर्गमैन ये ऑप्शन नंबर डी जीबी शो तो जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो हमने क्लियरली पढ़ा था कि ऑप्शन नंबर सी इंकमार बर्गमैन हमारे ऑथर हैं और ये वही इंसान हैं जिनके बारे में ये पूरा चैप्टर है और इन्होंने करी है फिल्म मेकिंग करिए डायरेक्टर थे ऑप्शन नंबर सी इंकमार बगमेन इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन विच मूवीज शूटिंग वॉज गोइंग ऑन इन स्वीडन स्वीडन नाम की जगह पर कौन सी मूवी की शूटिंग चल रही थी और शूटिंग जो थी वो इंग मार बगम हमारे जो ऑथर हैं वही कर रहे थे तो कौन सी मूवी थी सो ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए द सेवेंथ सील ऑप्शन बी द वर्जन स्प्रिंग ऑप्शन सी द पैशन ऑफ अन्ना या ऑप्शन नंबर डी द साइलेंस क्योंकि जैसे हमने कि चैप्टर पढ़ा है चैप्टर के स्टार्टिंग में ही क्लियरली है कि ऑथर स्वीडन नाम की जगह पर द वर्जन स्प्रिंग की शूटिंग कर रहे थे जहां पर बहुत ठंड थी और उनकी पूरी प्रोडक्शन कंपनी बहुत ज्यादा मुश्किल से अपनी मूवी की शूटिंग कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ठंड थी सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए सी और डी पे जो मूवीज

कौन सी बर्ड्स फ्लाई कर रही थी जैसे कि मैंने आपको बताया था इस मूवी की शूटिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा ठंड थी और ऑथर और उनकी जो पूरी प्रोडक्शन कंपनी थी वो बहुत मेहनत और मशक्कत बड़ी मुश्किलों से इस मूवी की शूटिंग कंप्लीट uh, करने की कोशिश कर रही थी और इस टेंशन में और इस ठंड के डिफिकल्ट माहौल में शूटिंग करना बहुत इम्पॉसिबल हो रहा था उनके लिए और सडनली आसमान में उन्होंने देखा कि चार क्रेन्स क्रेन्स एक तरीके की बर्ड्स हैं जिनके लॉन्ग लेग्स होते हैं यूजुअली व्हाइट कलर की होती हैं कि फोर क्रेन्स जो हैं वो बिल्कुल इस तरीके से राउंड राउंड सर्कल्स में वहाँ पे आसमान में फ्लाई करने लग गई और इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में जब सब ने वो देखा तो सब छोड़ छाड़ के उसको देखने लग गए और सब अपनी प्रॉब्लम्स और ठंड को भूल गए और इन्जॉय करने लग गए स्वीडन में और इन क्रेन्स को उन्होंने देखा तो इन्हीं क्रेन्स नाम की बर्ड्स की बात हो रही थी क्योंकि इनको देखकर सब लोग अपनी प्रॉब्लम्स को भूल गए और उस मोमेंट को एंजॉय करने लगे ऑप्शन so, है ऑप्शन नंबर ए क्रेन्स बी सी या डी so, कि मैंने आपको बताया क्लियरली ऑप्शन नंबर ए क्रेन्स इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वट काइंड ऑफ क्लोदिंग द कंपनी वॉज वेयरिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शूट जब शूट हो रहा था यानी कि जब शूटिंग हो रही थी द वर्जिन स्प्रिंग नाम की मूवी की तो जो कंपनी थी जो पूरी हमारे ऑथर की जो हमारे डायरेक्टर हैं इंगमार मार उनकी जो पूरी प्रोडक्शन कंपनी थी जो वहाँ शूटिंग में लगी थी उन्होंने व्हाट काइंड ऑफ क्लोथिंग यानी किस तरीके के कपड़े पहने थे अब क्योंकि ठंड बहुत खतरनाक थी स्नोफॉल हो रहा था बर्फ जमी हुई थी तो जाहिर सी बात है उस तरीके या उस वेदर के हिसाब से ही कुछ कपड़े पहने होंगे सो ऑप्शन हैं रेन स yes, उन्होंने रेनकोट पहने थे क्यों क्योंकि स्नोफॉल हो रहा था और उनके कपड़े गीले ना हो जाए इस वजह से रेन पहने थे सो दिस इज द राइट ऑप्शन आइसलैंडिक स्वेटर जैकेट्स आइसलैंडिक स्वेटर जैकेट्स यानी कि स्वेटर्स भी जैकेट्स भी और आइसलैंडिंग लैंडिंग यानी लॉन्ग आइसलैंडिक जैकेट्स एंड स्वेटर्स पहने थे जिससे आपकी बॉडी वार्म रहे ठंड में तो so, यस yes, ये भी उन्होंने पहना था मिडाइवल रोब्स मिडाइवल रोब्स यानी कि एक प्री हिस्ट्री होती है एक मॉडर्न हिस्ट्री होती है और एक मिडाइवल यानी मिडिल एज की जो हिस्ट्री होती है उस टाइम पर लोग बड़े बड़े रोब्स बड़े बड़े गाउन पहनते थे जो लिटरली उनको ऊपर से लेके नीचे तक पूरा कवर करता था और ठंड से बचा के रखता था तो उस तरीके के मिडाइवल रोब्स भी वहां के लोगों ने पहने थे तो बेसिकली ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव उन्होंने ये सारे ही टाइप के कपड़े पहने हुए थे और क्लियरली पोम में आपके चैप्टर में भी है सो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम वेयर कैन ऑथर हियर डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स इन ओप्सला ओप्सला एक जगह है स्वीडन नाम की कंट्री में यहां पर हमारे ऑथर इंग बारगमैन की ग्रैंड मदर का अपार्टमेंट था यानी घर था और उनके बचपन में ऑथर वहां पर जाया भी करते थे तो और, तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि जब ओप्सला वो अपनी ग्रैंड मदर के घर बचपन में गए थे तो हमारे ऑथर ने कौन से kind of अपार्टमेंट में बैठ के कौन से अलग अलग तरीके के साउंड तो से, से और कहाँ से from where, basically उन्हें पूछा कहां से उनको साउंड आ रहे थे जब वो उपसला में अपनी ग्रैंड मदर के अपार्टमेंट में वहां पर बैठे हुए थे तो फ्रॉम द नेक्स्ट अपार्टमेंट जिस अपार्टमेंट में वो थे ग्रैंड मदर के उसके पास में जो नेक्स्ट अपार्टमेंट था वहां से उनको कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी नहीं उनको लगा कि जो भी वो आवाजें सुन रहे हैं पानी की या बर्ड्स की या बेल्स की या पियानो की जो भी वो आवाज़ें सुन रहे हैं उनको लगा कि वो नेक्स्ट अपार्टमेंट से आ रही लेकिन वो वहां से नहीं आ रही थी फ्रॉम द म्यूजिक प्लेयर जो म्यूजिक प्लेयर रखा था क्या वहां से उनको आवाजें आ रही थी नहीं ये भी उनका एक तरीके का शायद गेस ही था कि जितना साउंड या गाने बजाने की आवाज आ रही है वो वहां से आ रही है लेकिन वहां से भी नहीं आ रही थी फ्रॉम अ लार्ज पिक्चर ऑफ वेनिस अब वेनिस क्या है वेनिस एक शहर है इटली में तो वो जो जगह है वो पूरा पानी से भरा हुआ है वहाँ पे रोड और रास्ते नहीं है हर जगह आपको बोट से ट्रैवल करना पड़ता है क्योंकि हर जगह पानी भरा हुआ है तो वहाँ ग्रैंड मदर की जो अपार्टमेंट में बड़ी सी वॉल थी वहाँ पे एक पिक्चर एक बड़ी सी पेंटिंग लगी थी वेनिस नाम की जगह की उसमें उन्होंने देखा उसमें ना जो पेंटिंग थी उसमें वहाँ पर ऐसा लग रहा था पानी बह रहा है और बर्ड्स घूम रही हैं और बेल्स हैं क्रिश्चियन मतलब वहां ना एक चर्च थी जिसमें से क्रिश्चियन क्रिस्चन जब सॉन्ग्स या हिम्स गाते हैं भगवान के भजन गाते तो बेल्स की जो आवाज है वो तो सारी चीजें सनलाइट ऐसा लग रहा था जिसमें धूप दिखा रहे हैं वो सनलाइट भी उनको ऐसा लग रहा था मूव हो रही है तो बेसिकली वो पूरी जो पेंटिंग थी वेनिस की वो उनको अलाइव लगने लगी तो ये जो उनको आवाजें आ रही थी ये सब उनकी इमेजिनेशन में थी जो वो उस पिक्चर को देख के वेनिस की पेंटिंग या सीनरी को देख के इमेजिन कर रहे थे और उस वेनिस के पेंटिंग्स में से उनको वो इमेजिनेशन में से सारी साउंड सुनाई दे रही थी तो यहीं से ऑथर को समझ में आने लगा कि उनका इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा है और शायद बड़े होकर वो फिल्म मेकिंग यानी कुछ पिक्चरें बना सकते हैं तो यहीं से उनको अपने बारे में समझ में आने लगा

ही वॉज अप इन अ डैश फैमिली यानी कि वो बड़े हुए और पैदा हुए कौन सी फैमिली से सो ऑप्शन हैं विकरेज विकरेज फैमिली यानी कि एक रिलीजियस फैमिली एक ऐसी फैमिली जो काफ़ी ज्यादा रिलीजियस है पूजा पाठ भगवान में बहुत ज्यादा बिलीव करती है तो यस yes, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि उनके जो फादर हैं वो प्रीस्ट थे वो लोगों के फ्यूनरल्स मैरिजेस बैप्टिजम्स अलग अलग सेरेमनीज जो होती हैं वो सब करवाते थे तो यस ही वॉज ब्रॉटअप इन अ विकरेज फैमिली यानी कि एक रिलीजियस टाइप की फैमिली में काफ़ी मॉडर्न फैमिली थी क्या उनकी नॉट एट ऑल वो लोग तो बहुत ज्यादा रिलीजियस थे पुअर बहुत गरीब लोग थे क्या नहीं ऐसा कोई गरीब नहीं थे बट या रिलीजियस क्या क्या बहुत wealthy, बहुत अमीर लोग थे? रिच लोग थे थे रिच तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है चैप्टर में क्लियरली मेंशन है कि वो लोग विकरेज लोग फैमिली में बड़े हुए थे विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन काफी रिलीजियस फैमिली थी उनकी नेक्स्ट एट द एज ऑफ टेन the author received his first toy, which was Dash. जब ऑथर टेन ईयर्स की एज के थे उनको उनका पहला टॉय मिला था वो क्या था टॉय ऑप्शन है रैटल यानी एक झुंझुना जो छोटे बच्चे खेलते हैं नहीं वो तो बिल्कुल न्यू बॉर्न पैदा हुए वाले बच्चे झुंझुना रैटन से खेलते हैं दस साल का बच्चा थोड़ी खेलेगा अ फिल्म प्रोजेक्टर एक ऐसा टॉय जो फिल्म प्रोजेक्टर जैसा दिखता है तो यस उनको एक फिल्म प्रोजेक्टर मिला था यानी फिल्म प्रोजेक्टर नहीं था एक खिलौना था जो फिल्म प्रोजेक्टर था इट वॉज अ टॉय फिल्म प्रोजेक्टर रियल फिल्म प्रोजेक्टर नहीं था अ कार उनको कार मिली थी क्या नो अ कैमरा एक कैमरा मिला था क्या नो no. क्लियरली था कि उनको एक फिल्म प्रोजेक्टर मिला था ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन और यहीं से उनका इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो गया था फिल्म मेकिंग के बिजनेस में या फिल्म मेकिंग के करियर को लेके नेक्स्ट वट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉन्जूर म में चैप्टर में बार बार कॉन्जूर वर्ड यूज़ किया है कॉन्जूरिंग ट्रिक्स ये सारे टर्म्स बार बार यूज़ हुए हैं ये इस पर क्वेश्चन भी आ सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं तो इस कॉन्जूर वर्ड का मीनिंग क्या है बेसिकली कॉन्जूर एक वो इंसान होता है जो अलग अलग मैजिक ट्रिक्स खेलता है और लोगों को बेवकूफ़ बनाता है तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि हम जो डायरेक्टर्स होते हैं जो हम लोग फिल्म मेकर्स होते हैं हम लोग कॉन्जूरस हैं यानी कि हम लोग अपने बड़ी बड़ी मशीनरी से बड़े बड़े इक्विपमेंट्स से फिल्म में सामने स्क्रीन पर ऐसे ग्राफिक्स दिखाते हैं कि हम लोगों को बेवकूफ बना देते हैं यानी कि कार भले छोटी सी टॉय कार दिखाएंगे लेकिन ग्राफिक्स ऐसे दिखाएंगे अलग अलग इक्विपमेंट्स की मदद से कि लोगों को बड़ी कार बड़ा क्रेन दिखेगा ऐसे अगर कोई भूत दिखा रहे हैं तो कोई बड़ा भूत दिखाएंगे लोगों को सच में डर लगने लगेगा कोई इमोशनल सीन है तो इतना उसको इमोशनल बना देंगे इतना लोगों को बेवकूफ बना देंगे कि लोग लिटरली रोने लगे कॉमेडी इतनी दिखा देंगे कि लोग हंस हंस के लोगों के आंखों से आंसू आ जाए तो यहाँ पर ऑथर के कहने का मतलब है कि हम जो फिल्म मेकर्स हैं हम जो डायरेक्टर्स हैं हम लोग कॉन्जूरस हैं यानी हम लोगों के हाथों में सफाई है हमारे दिमाग में ऐसी मैजिकल ट्रिक्स हैं समझो कि जिससे हम पब्लिक को बेवकूफ़ बना सकते हैं और जो चाहे स्क्रीन पर दिखा सकते हैं इसीलिए वो अपने आप को कॉन्जूर कहते हैं ताकि वो क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं वो स्क्रीन पर कुछ भी दिखा सकते हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं और पब्लिक उस तरीके से फिर रिस्पॉन्ड भी करती है ओके सो ऑप्शंस हैं अ पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिकल ट्रिक्स

ऑप्शन तो है स्क्रिप्ट भाई स्क्रिप्ट तो एक इम परफेक्ट बेसिस है uh, किसी मूवी को बनाने के लिए यानी स्क्रिप्ट में सब कुछ मेंशन होता है कि कौन से एक्टर्स होंगे कौन से लोकेशन पर शूटिंग होगी इस सीन के बाद क्या होगा बेसिकली uh, <coughs> एक सब कुछ इम तरीके से स्क्रिप्ट में सब मैंशन रहता है जो एक डायरेक्टर्स पहले से प्रिपेयर करके रखता है लेकिन ये शुरुआत नहीं है ये तो बहुत बाद की बात है ये तो मतलब जब सबसे पहले तो इंसान जो के दिमाग में आता है एक आइडिया कि हाँ ऐसा कुछ को, कोई चीज़ देखी और आइडिया आया कि अरे इस आइडिया पर मैं मूवी बना सकता हूँ तो बेसिकली फिल्म मेकिंग जो है वो एक मेंटल प्रोसेस है यानी आपके माइंड से आपके दिमाग से शुरू होता है आपके दिमाग में सबसे पहले एक आइडिया एक विचार उत्पन्न होता है जिसकी मदद से आप एक एक स्टेप आगे लेते हो तो स्क्रिप्ट तो बहुत बाद में आती है एक्टर्स भाई जब आप पूरी स्क्रिप्ट डिसाइड कर ले तो जब पहले स्टोरी का आइडिया आएगा दिमाग में कि स्टोरी क्या होगी तब तो एक्टर्स डिसाइड करोगे कि कौन से एक्टर इस रोल को प्ले करेंगे तो एक्टर्स भी बात का प्रोसेस है एंड आइडिया जैसे कि मैंने आपको बताया कि आइडिया आपके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मूवी बनेगी तब जाके आगे के सारे प्रोसेस होती है कि कौन क्या स्क्रिप्ट होनी चाहिए कौन से एक्टर्स होने चाहिए ऑप्शन नंबर डी शूटिंग डायरेक्टली शूटिंग स्टार्ट कर देते हो आप अपनी मूवी की यहीं से स्टार्ट हो जाता है ऐसा कभी नहीं होता शूटिंग तो सबसे लास्ट प्रोसेस है जब सब कुछ तैयारी हो जाती है मेकअप मैन डिसाइड हो जाता है एक्टर डायलॉग्स म्यूजिक गाने पिक्चर में सब डिसाइड हो जाता है तब जाके आप उस लोकेशन पर जाते हो और शूटिंग करते हो शूटिंग तो सबसे लास्ट होता है तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन सबसे पहले फिल्म मेकिंग का जो प्रोसेस है वो एक, idea, एक दिमाग में कोई आइडिया होता है डायरेक्टर के उससे ही स्टार्ट होता है नेक्स्ट वॉट इज अ वेरी इम्परफेक्ट टेक्निकल बेसिस फॉर अ फिल्म फिल्म की सबसे इम टेक्निकल बेसिस क्या है यानी फिल्म बनाने के लिए जो बेसिक चीज़ आपको चाहिए एक टेक्निकल चीज़ है वो बहुत दिमाग से बनाई जाती है लेकिन वो काफ़ी इम है यानी कि एकदम परफेक्टली नहीं बनाई है लेकिन हाँ एक इम टेक्निकल आपने एक बेसिस एक बेस बना लिया पिक्चर का और इसकी मदद से आपकी पूरी मूवी अब चलेगी तो वो क्या चीज़ है सो ऑप्शन है डायलॉग क्या डायलॉग वो सबसे बेसिक चीज है जिसकी मदद से पूरी मूवी बन जाती है नहीं डायलॉग तो स्क्रिप्ट का पार्ट होता है स्क्रिप्ट में डायलॉग्स लिखे रहते हैं और वो सब तो स्क्रिप्ट का पार्ट है पूरी पूरी स्क्रिप्ट जो होती है वो एक टेक्निकल बेसिस ऑफ द मूवी होती है फिल्म होती है यानी जब जो तो स्क्रिप्ट होती है वो परफेक्टली तो नहीं बनाई जाती है। लेकिन इस तरीके से बनाई जाती है कि उसकी मदद से सब समझ में आता है कि अब कहाँ जाना है अब शूटिंग कहाँ होनी है अब डायलॉग कौन सा बोलना है एक्टर को तो एवरी थिंग इज अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट सब कुछ स्क्रिप्ट में लिखा हुआ रहता है ओके okay? तो डायलॉग तो पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट है ऑप्शन बी स्क्रिप्ट यस स्क्रिप्ट ही वो चीज़ है जो टेक्निकल बेसिस uh, होती है एक मूवी की म्यूजिक कौन सा म्यूजिक कौन से गाने बजाने होने कौन से सिंगर्स होने ये सब भी स्क्रिप्ट का पार्ट है यानी कौन से सीन के बाद गाना आएगा कौन से सीन के बाद दूसरा गाना आएगा म्यूजिक आएगा ये सब स्क्रिप्ट के अंदर लिखा रहता है एक्टर्स कौन से एक्टर्स परफॉर्म करने वाले हैं ये भी स्क्रिप्ट का पार्ट है स्क्रिप्ट में लिख दिया जाता है शुरू में कि ये एक्टर है ये हीरो है ये विलन है ये कॉमेडियन है ये हीरोइन है ये सब स्क्रिप्ट का पार्ट है तो बेसिकली जो सबसे टेक्निकल बेसिस होती है मूवी की वो होती है स्क्रिप्ट सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट द सेज़ वी शुड अवॉइड मेकिंग मूवीज़ आउट ऑफ द बुक्स बाय अब जो हमारे ऑथर है <coughs> इंग मार बर्गमेन वो कहते हैं कि हम लोगों को बुक्स जो नॉवेल्स लिखी जाती हैं उन नॉवेल्स की कहानियों को कन्वर्ट नहीं करना चाहिए मूवीज में यानी बहुत सारे लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं और फिर सोचते हैं बड़ी अच्छी कहानी है चलो इस पर पिक्चर बनाते हैं तो हमारे ऑथर कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्यों कहते हैं वो ऐसा ऑप्शन है बिकॉज बुक्स आर अनट्रांसलेटेबल इनटू विजुअल टर्म्स क्योंकि ऑथर कहते हैं कि बुक्स को आप विजुअल टर्म्स में ट्रांसलेट कर नहीं कर सकते यानी कि जो भी चीजें एक बुक एक डिफरेंट आइडिया से लिखी गई है बुक में सब कुछ एलेबोरेटेड लिखा रहता है बहुत सारा लिखा रहता है और इन सारी चीज़ों को आप दो घंटे की मूवी में ट्रांसलेट करके विजुअल टर्म्स में यानी कि आप दर्शकों को नहीं दिखा सकते आप उस बुक का कुछ पार्ट ले सकते हो लेकिन पूरी बुक को दो ढाई घंटे की पिक्चर में नहीं दिखा सकते सो इट्स बेटर कि बुक को अपनी जगह रहने दिया जाए और मूवी की ओरिजिनलिटी किसी दूसरे टॉपिक पर अपनी जगह रहे उनको कन्वर्ट मत करो नहीं तो दोनों ही अपनी इंपॉर्टेंस खत्म कर देंगी सो so येस yes, ऐसा कहा था हमारे ऑथर ने नेक्स्ट बिकॉज द जर्म ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट ऑथर कहते हैं कि जो बुक का एग्जिस्टेंस है जो बुक एग्जिस्ट कर रही है उसका जर्म यानी कि जो उसका कीड़ा यानी जिस थॉट से जो जो राइटर था उस नावल का जिसने उस जो उसके दिमाग में कीड़ा आया जो जर्म आया उसके दिमाग में कि हाँ इस थॉट को लेकर उसने पूरी बुक लिख डाली वो बिल्कुल जो जर्म ऑफ आइडिया जो उसके दिमाग में था वो बिल्कुल डिफरेंट था और उसको पिक्चर में विजुअल टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो यस, ऐसा भी हमारे ऑथर ने कहा था बिकॉज इट विल डिस्ट्रॉय द स्पेशल डायमेंशन ऑफ द फिल्म अब जो बुक है उसमें हर चीज़ एक डिफरेंट डायमेंशन से दी गई है यानी कि लोग पहले यहाँ गए फिर ये डायलॉग बोला फिर ये बोला फिर ये लिखा तो सारी चीज़ें उसमें डिफरेंट तरीके से दी हुई है लेकिन जब आप इसको मूवी में कन्वर्ट करोगे तो फिल्म का एक स्पेशल डायमेंशन होता है यानी देखने की एक इंटरेस्ट होती है एक टोन होता है एक रिदम होती है पिक्चर की जिसको व्यूअर्स uh, देखते हैं और इंटरेस्ट उनका बना रहता है बुक जो है लोग पढ़ते हैं थोड़ी देर छोड़ देते हैं फिर थोड़ी देर पढ़ते हैं लेकिन मूवी तो लोग एक ही बार में देख के खत्म करते हैं तो अगर इस तरीके को आप कन्वर्ट करोगे तो व्यूअर्स अपना इंटरेस्ट खत्म कर देंगे और मूवी काफी लंबी और खिंच जाएगी जिसकी वजह से मूवी का और एक फिल्म का स्पेशल डायमेंशन बर्बाद हो जाएगा यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो यस ऐसा भी हमारे ऑथर ने कहा था ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव क्योंकि सारे ही ऑप्शन सही हैं और हमारे ऑथर ने दिए थे ये रीजंस कि एक बुक को कन्वर्ट नहीं करो एक मूवी में ये उसके सारे रीजन हैं सो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट हु आर द सिग्निफिकेंट पीपल इन ऑथर्स लाइफ हु दाइफ हिम इन बिल्डिंग अप हिस्स करियर अब जो हमारे ऑथर है इंगमार मार ये काफी सक्सेसफुल फिल्म डायरेक्टर हैं लेकिन इनकी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट पीपल रहे हैं यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट लोग रहे हैं जिन्होंने इनके करियर को बिल्डअप करने में इनकी बहुत मदद करी है यानी कि आज वो जहाँ हैं वो इन कुछ लोगों की मदद से वहाँ पर हैं अकेले नहीं पहुँचे सो so, ऑप्शन हैं ए टॉर्स्टन हैमरिन यस yes, टॉर्स्टन हैमरिन जो थे ये एक आ, बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट थे ऑथर को थिएटर के बारे में कुछ नहीं पता था थिएटर के जो प्लेज वगैरह होते हैं इन्होंने उनको थिएटर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन दी इतना नॉलेज दिया कि फाइनली वो एक म्यूनिसिपल हेड बन गए थे कि एक बड़े थिएटर के हमारे ऑथर तो यस टॉर्स्टन हैमरिन वाज ऑफ हिज ग्रेट हेल्प लॉरेंस मामस्टेड अब लॉरेंस मामस्टेड कौन थे ऑथर की जब पहली मूवी आई थी तो वो उनकी अनसक्सेसफुल गई यानी कि फ्लॉप गई लोगों को पसंद नहीं उसके बाद लॉरेंस मामस्टेड ही वही इंसान थे जिन्होंने ऑथर को फिल्म मेकिंग का जो पूरी चीज़ें हैं स्क्रैच यानी एकदम बिगनिंग से लेके एंड तक सब कुछ एक एक चीज़ अच्छे से सिखाया यहाँ तक कि उनको ये भी बताया कि जब आप स्क्रीनिंग रूम में बैठे रहते हो तो अपने लिए एक डेविल बन जाओ यानी एक राक्षस बन जाओ एक एक चीज़ गलत दिखे हर चीज़ बदलो चाहे कितनी भी मेहनत लगे तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें और ज्ञान की बातें बताई हमारे ऑथर को जो आज तक वो फॉलो करते हैं हर्बर्ट ग्रेवेनियस हर्बर्ट ग्रेवेनियस वो इंसान है जिन्होंने हमारे ऑथर के अंदर एक राइटर होने का इंकरेजमेंट जगाया अगर आप फिल्म के डायरेक्टर हो तो आपके अंदर एक क्वालिटी बिल्कुल होनी चाहिए और मस्त है वो ये है कि आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर पाओ आप स्क्रिप्ट अच्छी लिखोगे और एक्टर्स को दिखाओगे तो ही तो वो इंटरेस्ट जगाएंगे कि हां हम हाँ, हाँ, आपकी मूवी में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। अगर ही बोरिंग लिखी आपने तो एक्टर पढ़ के बोलेगा अरे नहीं काम करना दूसरा मूवी कर लेंगे जो भी है

वॉट इज़ द रीज़न फॉर ह्यूज सक्सेस ऑफ द नावल द नेम ऑफ द रोज अब अम्बोटो इको एक बहुत बड़े अकेडमिशन है इटली की बहुत बड़ी बोलोग्ना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वो तो उन्होंने एक बुक लिखी थी द नेम ऑफ़ द रोज जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी उसके टेन मिलियन कॉपीज सेल हो गई थी मार्केट में तो ये जो नॉवल है द नेम ऑफ द रोज जो अम्बोटो एको ने लिखी थी उसकी इतनी बड़ी सक्सेस का क्या रीज़न था ऐसा क्या था उनकी मूवी में जो इतनी सक्सेसफुल uh, हो गई उनकी नॉवल सो ऑप्शन है ए मिस्टिक वो काफ़ी मिस्ट्री से भरी हुई थी काफ़ी ज़्यादा रहस्य था मूवी में तो सस्पेंस होने की वजह से लोग काफ़ी इंटरेस्टेड थे बुक पढ़ने के लिए येस yes, बिल्कुल था ऐसा मेटाफिजिक्स एंड मिडाइवल हिस्ट्री पीरियड यूज्ड उन्होंने अपनी बुक में मेटाफिज़िक्स का यूज़ किया था यानी कि एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जो स्पेस और टाइम के बारे में थी तो लोग ये पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे एंड मेडाइवल हिस्ट्री पीरियड यूज़ हुआ था उनकी बुक में एक होती है प्री हिस्ट्री यानी पहले की हिस्ट्री एक बीच की मिडिल हिस्ट्री यानी मेडाइवल हिस्ट्री होती है और अभी की जो लेटेस्ट हिस्ट्री है उसे हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं तो उन्होंने जो मिडिल हिस्ट्री जो मेडाइवल हिस्ट्री पीरियड था वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था जिसको पढ़ के लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड uh, थे तो यस yes, ये भी सब यूज़ हुआ था थर्ड है डिटेक्टिव स्टाइल उनका उनका जो लिखने का स्टाइल था पूरी नोवेल का वो डिटेक्टिव स्टाइल था यानी काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस लोग पढ़ रहे थे तो इंटरेस्ट आ रहा था कि आगे क्या होगा आगे क्या होगा तो ये डिटेक्टिव स्टाइल था उनकी मूवी का उनकी नावल का सो so बेसिकली सारी ही ये तीनों क्वालिटीज थी इसी वजह से उनकी जो नोवेल है अम्बर्टो इको की द नेम ऑफ द रोज वो काफी सक्सेसफुल हुई और 10 मिलियन कॉपीज उनकी मार्केट में सेल हुई दैट मींस ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट व्हाई डस इको कॉल द सक्सेस ऑफ हिज बुक अ मिस्ट्री मुकुंद पद्मनाभा भान ने एक uh, बहुत बड़े द uh, हिंदू न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने जब अम्बर्टो इको से इको यानी जब अम्बर्टो इको से इंटरव्यू लिया तो उन्होंने पूछा कि आ, मतलब आप आप अपनी बुक को इतना सक्सेसफुल कैसे मानते हो मतलब क्या रीज़न है कि आपकी द नेम ऑफ़ द बुक इतनी सक्सेसफुल हो गई तो उन्होंने बोला कि मेरी जो बुक की सक्सेस है वो एक मिस्ट्री है वो एक रहस्य है क्यों बोला उन्होंने ऐसा ऑप्शन है बिकॉज ऑफ़ इट सक्सेस क्योंकि वो इतनी सक्सेसफुल हो गई तो उनको लगा रहस्य है तो ऐसा थोड़ी है ऐसा नहीं होता है बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी क्योंकि उनकी बुक बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी मार्केट में टेन मिलियन लोगों ने उनकी बुक को खरीदा था इस वजह से बोला था कि मिस्ट्री है नहीं ऐसा भी नहीं था बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स बहुत सारे ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कहा था नहीं बिकॉज ऑफ मेनी अदर बुक्स ऑन द सेम पीरियड क्योंकि उनकी बुक जब आई थी उससे पहले कई सारे लोगों ने ऐसी नॉवेल्स ऐसी किताबें लिखी हैं जिसमें मिडाइवल पीरियड यानी मिडिल हिस्ट्री के बारे में मेंशन किया है तो अथर कहते हैं कि मैंने कुछ नया मेंशन नहीं किया या कोई नए टॉपिक पे कोई अपनी बुक नहीं लिखी मुझसे पहले कई सारे लोगों ने मिडाइवल पीरियड यानी मिडिल हिस्ट्री के बारे में अपनी बुक्स में मेंशन किया है और मैंने भी वही किया उनकी इतनी क्यों सक्सेसफुल गई नहीं गई वो मुझे नहीं पता लेकिन मेरी कैसे इतनी सक्सेसफुल हो गई वो मुझे नहीं पता वो मेरे लिए एक मिस्ट्री है एक मेरे लिए रहस्य है ऐसा अम्बर्टो इको ने कहा तो बेसिकली उनके कहने का मतलब ये था कि मेरी बुक करेक्ट टाइमिंग पर आई है अगर यही मेरी बुक दस साल पहले या दस साल बाद आती तो शायद इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती लेकिन मेरी बुक का मार्केट में पब्लिश होना ऑन द राइट टाइम इस बेसिकली मेन रीजन अदरवाइज जैसी किताबें मैंने लिखी है जिस टॉपिक्स तो, मैंने अपनी किताब में मैंशन की वो पहले बहुत से लोग कर चुके हैं तो इसीलिए वो अपनी बुक को मिस्ट्री बोलते हैं दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वाई वर द जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स पजल्ड बाय द सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज पजल्ड का मतलब क्या होता है कंफ्यूज अब अम्बोटो इको की जो ये बुक थी द नेम ऑफ द रोज इसका मार्केट में इतना बड़ा सक्सेस देख के जो जर्नलिस्ट थे अलग अलग न्यूज़पेपर्स के और जो अलग अलग बुक्स के खुद द नेम ऑफ द रोज की जो पब्लिशर थी जिन्होंने मार्केट में बुक पब्लिश करिए वो ये सारे लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज क्यों हो गए थे कि अरे ये बुक ये बुक इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई इस बुक की दस मिलियन कॉपीज कैसे बिक गए तो ये जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स क्यों इतने ज्यादा वो थे पजल uh, थे कन्फ्यूज थे सो ऑप्शन हैं बिकॉज रीडर्स लाइक ट्रैश एंड इट वॉज अ सीरियस नॉवल ट्रैश का मतलब होता है कचरा यहाँ पे कचरे का मतलब ये बताया गया कि जो रीडर्स हैं जो आजकल के लोग बुक्स रीड करना पसंद करते हैं वो ट्रैश रीड करना पसंद करते हैं या न कचरा यानी कचरा रीड करना पसंद करते हैं उस तरीके की किताबें जिसमें यूजुअली मसाला कहानियाँ सास बहू की कहानियाँ ये सारी टाइप की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं रीडर्स लाइक टू रीड ट्रैश एंड ये जो नॉवल थी द नेम ऑफ द रोज वो इतनी सीरियस नॉवल थी इतने ज़्यादा साइंस और हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट लगे हुए थे इस मूवी में तो ये बुक लोगों को कैसे पसंद आ गई सीरियस होने के बावजूद भी इस वजह से शायद जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि कैसे बुक सक्सेसफुल हुई तो ये एक डेफिनेटली रीजन है देन बिकॉज इट वॉज बिकमिंग पॉपुलर क्योंकि बुक बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही थी इसलिए वो लोग कन्फ्यूज हो गए भाई बुक तो पॉपुलर हुई लेकिन उनके कन्फ्यूज होने का क्या रीजन था रीजन यही था कि लोगों को ट्रैश यानी कि इंटरटेनमेंट स्टफ पढ़ना पसंद है और बुक तो एक सीरियस नॉवल थी तो ये ऑप्शन तो नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेटेड सक्सेस क्योंकि बुक की हाई रेटेड सक्सेस हो गई थी बहुत ज्यादा इस वजह से वो लोग कन्फ्यूज थे भाई कन्फ्यूज थे तो क्यों थे रीजन ही यही था ना कि क्योंकि लोगों को ट्रैश पढ़ना पसंद है इंटरटेनमेंट स्टफ और ये बुक तो एक सीरियस नॉवल थी तो ये भी नहीं none ऑफ़ दी above हो नहीं सकता क्यों क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट व्हाट आर द व्यूज ऑफ अम्बर्टो इको ऑन अकाउंट ऑफ कन्वर्टिंग अ नोवेल इनटू अ फिल्म अब अम्बर्टो इको जो इतने बड़े प्रोफेसर हैं इटली के बोलोगना यूनिवर्सिटी के उनके क्या व्यूज है उनके क्या विचार है अगर उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लगता है कि एक नॉवल को एक किताब को जब फिल्म में कन्वर्ट करा जाता है तो आपके क्या व्यूज हैं उस पर बेसिकली उनकी जो ये बुक है द नेम ऑफ द रोज जो उन्होंने लिखी थी ये कन्वर्ट हुई मूवी में जिसको देखकर अम्बर्टो को खुश नहीं हुए और उनका कहना ये था कि मैं इतना खुश नहीं हूं अपनी बुक की जो मूवी बनी उसको देख के क्यों क्योंकि मेरी जो बुक है वो एक क्लब सैंडविच की तरह तो यानी कि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में मैंशन है लेकिन जो दिखाया गया है मूवी में वो सिर्फ थोड़ा सा ही है तो इसलिए मैं इतना हैप्पी नहीं हूँ और इसलिए उनको लगता है कि शायद नॉवेल्स को कन्वर्ट नहीं करना चाहिए किसमें मूवीज में लेकिन फिर भी उन्होंने उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन दिए थे लेकिन दे, देखते हैं क्या बोला है नॉवेल रीचेज अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि जो नॉवल होती है जब उसको फिल्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक पहुंचती है यानी कि पिक्चर ज्यादा से ज्यादा लोग देखते हैं बुक पढ़ना थोड़े कम लोग प्रेफर करते हैं तो यस उन्होंने बिल्कुल ये चीज़ कही थी फिल्म नॉट कवर अप ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ अ नॉवल अब एक नॉवल में बहुत सारे एस्पेक्ट्स बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं और दो ढाई घंटे की मूवी वो सारे एस्पेक्ट्स कवर नहीं कर सकती तो ये चीज भी अम्बर्टो इको ने कही थी फिल्म इनडायरेक्टली हेल्प द नावल लेकिन जब एक नॉवल को आप फिल्म में कन्वर्ट कर लेते हो तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो जो फिल्म है वो नॉवेल की सक्सेस होने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है क्यों क्योंकि जब किताब लिख के मार्केट में पब्लिश हुई होती तो शायद वो इतनी सक्सेसफुल नहीं होती लेकिन जब उस पर पिक्चर बन जाती है उस किताब पे तो वो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचती है और सक्सेसफुल भी होती है तो ये भी उन्होंने कहा था दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन सो चिल्ड्रेन वी कम टू दी एंड ऑफ दिस सेशन आई होप आपको सारे एम सी क्यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे आप चाहें तो हमारे वीडियोज़ यूट्यूब पर भी देख सकते हैं वहाँ ना मिले तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए विजेज मैगनेट ड्रींस डॉट कॉम जैसे आप वेबसाइट पर जाएंगे इस तरीके का एक पेज आपके सामने आएगा जहाँ अलग से ऑप्शन गिवन है फ्लमिंगो विस्ताज कलाइडोस्कोप की अगर आपको कलाइडोज को बुक की वीडियोस देखनी तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करिए और जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके की लिस्ट ऑफ वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी फॉर एग्जांपल मुझे ये वीडियो देखना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगी और जैसे आप क्लिक करेंगे मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा एंड डू नॉट फोगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आर यूट्यूब चैनल क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स वो एक फ्री एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर तक एजुकेशन और पढ़ाई के वीडियोस हम आप तक पहुंचाते हैं सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आर यूट्यूब चैनल तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर